नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़। मैं तुषार आपके साथ। पटना में विपक्षी दलों की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। जी, आपको बता दें कि एक के बाद एक सभी विपक्षी दलों के जो बड़े नेता है वो वहां पहुंच चुके हैं और पटना में महागठबंधन को लेकर जो बैठक है, पहली बैठक, वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, ये देश की राजनीति में एक बहुत बड़े दिन के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सभी विपक्षी दल, कम से कम 14 से 15 जो बड़े विपक्षी दल हैं, उन सब के बड़े बड़े जो नेता हैं वो सभी के सभी एक साथ राउंड टेबल पर बैठने वाले हैं और आगे की रणनीति को लेकर बातें करने वाले हैं। आपको बता दें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव 2024 में आने वाले हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाने के लिए ये रणनीति बनाई गई है, जिसमें सभी विपक्षी दलों को साथ लाया गया है। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक के बाद एक जो वार है वो इस बैठक पर हर नेता करता जा रहा है। और इसी दौरान, इसी कड़ी में अभी स्मृति ईरानी का एक बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एकजुट होने वाली ये विपक्षी पार्टियां राष्ट्र को ये संकेत देना चाहती हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। जी हाँ, आपको बता दें, कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूँ, ऐसा स्मृति ईरानी ने कहा है कि मैं कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूँ कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। आपको बता दें कि ये जो एक महागठबंधन की तैयारी हो रही है, इसको समय समय पर, इस पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो तंज कसती आई है, वो हमला बोलती आई है। और अब जो स्मृति ईरानी ने कहा है वो भी इसको एक बता रही है कि साथ ही स्मृति ईरानी ने ये भी कहा कि ये जो बैठक हो रही है, इसमें तमाम वो नेता शामिल है जिन्होंने कांग्रेस के दौर में जो इमरजेंसी का दौर था वो देखा था और फिर भी वो एक साथ एक पटल पर आने के लिए ये काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने क्या क्या कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। ये हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। रविंद्र सिंह जी ने एक बार फिर से राहुल गांधी ने कई बात कही, देश में जो भी चल रहा है, होने वाला है, इसके प्रति होने वाला है, इसके प्रति बीजेपी है और तीन राज्य में चुनाव वहां से जीतेंगे भी। 2024 में बीजेपी को नफरत और हिंसा फैलाती है। मैं पुनः कहती हूं, क्या 84 के दंगों के माध्यम से गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या यूनिवर्सिटी में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा दे के गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या देश में आपातकाल लगा के मीसा में निर्दोष हिंदुस्तानियों को जेल में डालकर आपातकाल के वक्त निर्दोष औरतों का बलात्कार करवाकर गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या पेड़ गिरना और धरती का कांपना मोहब्बत का इजहार है? मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं कि आपने